नमस्कार दोस्तों, मैं अजय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का टेक्निकल शिवांशु यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से यूपीआई से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाला हूं जो कि हम सबके लिए जाननी बहुत ज्यादा जरूरी हैं। जी हां दोस्तों, और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, अगर आप लोग कोई सा भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन यूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल गूगल पे, अमेजोन, पेटीएम, फोन पे, फ्रीचार्ज, मोबीक्विक इत्यादि, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, ये वाला वीडियो बनाने के पीछे मेरा एक मोटो और भी है जो कि है दोस्तों ये वाला। यहाँ पर दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने हाउ टू डिलीट गूगल पे टॉपिक पर एक वीडियो बनाया था जिस पर कि आप लोगों का काफी अच्छा रिस्पांस मुझे देखने को मिला। और उस वीडियो पे मुझे काफी सारे कमेंट आते हैं कि यूपीआई क्या होती है, यूपीआई डीरजिस्ट्रेट क्या होता है, यूपीआई डीरजिस्ट्रेट कैसे की जा सकती है किसी भी एप्लीकेशन की। तो दोस्तों, उसी वजह से मैं आप लोगों को ये वाला वीडियो बनाकर दे रहा हूँ जिसमें मैं आप लोगों को यूपीआई से रिलेटेड बहुत सारी चीजें शेयर करने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यूपीआई क्या होती है, यूपीआई डीरजिस्ट्रेट क्या होता है, पीपीए क्या होता है। तो आज आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, इसमें आप लोगों को काफी कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात जरूर बता दूं कि अब तक भी आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि चैनल पर आने वाले बाकी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो शुरू कर लेता हूं। सबसे पहले तो दोस्तों, हम लोग जान लेते हैं कि यूपीआई क्या होता है। तो दोस्तों, यहां पर यूपीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। और दोस्तों, ये NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ऑथराइज्ड होता है। कहने का मतलब, इसका जो मेंटेनेंस होता है वो जो है NPCI देखती है। और दोस्तों, UPI का जो कॉन्सेप्ट है वो 11 अप्रैल 2016 को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा रखा गया था, जो कि आज एक बहुत बड़ी चीज बन चुका है। अभी दोस्तों, होता क्या है, कोई सा भी एप्लीकेशन जो आप लोग ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए यूज करते हो, पहले उनका एक वॉलेट हुआ करता था जिसमें आप लोगों को जो है आपके बैंक अकाउंट के डेबिट कार्ड को यूज करते हो उसमें पैसा ऐड करने होते थे, उसके बाद में आप लोग किसी को भी पैसे पे कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, यूपीआई के आने के बाद में एक प्रकार से यूं मान लीजिए NPCI ने जो है अपने बैंक अकाउंट को आप लोग किसी भी एप्लीकेशन के साथ में लिंक कर सकते हो उस चीज के लिए परमिशन दे दी, और उसे एक्सेस करने के लिए आप लोगों को बस एक UPI पिन जनरेट करना होता है। और ये चीज अनाउंस होने के बाद में आप लोगों को पता ही है, हर एप्लीकेशन में जो है UPI का फीचर ऐड कर दिया गया, जहां पर अभी आप लोगों को किसी भी एप्लीकेशन में जो है ऐड मनी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सीधा आप लोग जो है वहां पर अपना बैंक अकाउंट आप लोग ऐड कर सकते हो और UPI पिन के जरिए आप लोग आपकी डेली नीड्स के हिसाब से किसी को भी पैसे ले दे सकते हो। अभी दोस्तों, यहां पर एक वर्ड और निकल के आ जाता है जो कि है VPA। VPA का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। और दोस्तों, ये बात आप लोगों के दिमाग में कभी ना कभी आई होगी कि VPA और UPI क्या दोनों अलग अलग है या नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, एक प्रकार से देखा जाए तो ये दोनों चीजें सेम है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर UPI जो होती है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर और @ जो भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन आप लोग यूज करते हो उसका नाम, और ये जो एक पूरा एड्रेस बन जाता है इसे जो है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यानी कि VPA कहा जाता है, जो कि NPCI द्वारा ऑथराइज्ड होता है। और इसी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस या UPI के जरिए हम लोग जो है हमारे UPI पिन के द्वारा हमारे बैंक अकाउंट में रखे बैलेंस को एक्सेस कर सकते हैं, और एक प्रकार से देखा जाए तो इसका मेंटेनेंस जो है NPCI रखती है। तो यहाँ पर दोस्तों, मैंने आप लोगों को UPI के बारे में पूरा समझा दिया है। तो बस दोस्तों, फिलहाल की इस वीडियो में तो मुझे आप लोगों से इन्हीं सब चीजों को शेयर करना था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।